तो गाइज लेट्स स्टार्ट बाय सोकिंग राइस। मैंने अराउंड 750 ग्राम्स ऑफ राइस लिया। आप कोई भी बासमती चावल ले सकते हो एंड उससे अच्छे से वॉश करके सोक करना है। ऑन अदर साइड मैंने लिया है चिकन और उसको जो आपको स्क्रीन पे मसाले और सारा कुछ दिख रहा है उसमें अच्छे से मैरिनेट करना है। मैंने 2 से 3 घंटे मैरिनेट किया था, ज़्यादा जितना आप करोगे उतना अच्छा ही है। मैंने 1.5 kg चिकन लिया है, आप आपके हिसाब से ले लेना। देन मैंने एक पतीला लिया, उसमें ऑयल डाला एंड अराउंड 9 अनियंस मैंने उसमें अच्छे से और ये करी हूँ फ्राई। देन ये जो मैंने मसाला बनाया है, जब तक अनियन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक उसको भूनना है एंड फिर ये मसाला डाल के वापस उस सारे चीज़ को अच्छे से भूनना है। मैंने बाय द वे बे लीव्स भी डाले हैं उसके अंदर, जो मैं बताना भूल गई। अच्छे से भूनने के बाद मैंने उसके अंदर अपना चिकन डाल दिया है एंड इसे अच्छे से मिक्स करना है। हाई फ्लेम पे मैं भून रही हूँ उसे जब तक इसका जो ऑयल है वो आता नहीं बाहर। एंड फिर इसे मुझे लिड लगा के वापस अच्छे अच्छे से स्टीम करना है, मतलब अच्छे से पकाना है बेसिकली। देन मैंने इसके अंदर डाल दिया है गरम गरम पानी एंड अपना राइस। एंड पहले मैं इसे ओपन बिना लिड के पकाऊंगी जब तक इसमें यू नो बबल्स नहीं आ जाते। एंड मैंने बाय द वे इसमें पुदीना भी डाला है, तो जब तक इसमें बॉइलिंग ये बॉइलिंग स्टेज पे जाता नहीं तब तक मैं इसे लिड नहीं लगाऊंगी। एक बार बॉईल आना चालू हो गया मैं इस पे अपना लिड चढ़ा दूंगी एंड इसे बॉईल करने के लिए रख दूंगी। एंड जब मैं इसका लिड उतारूंगी, वाह डिलीशियस। ओके तो आपको थोड़ा पानी दिख रहा है, उसे आपको ओपन करके जब तक इवेपरेट नहीं हो जाता पानी तब तक इसे पकाना है। एंड देन ब्रावो, यू हैव योर पुलाव। मैं इसे बिरयानी कहूँगी, इसे पुलाव कहूँगी। मैंने थोड़ा ऑरेंज कलर डाला है पर आप इसे स्किप कर सकते हो। एंड बाय द वे गाइस, अगर आपकी क्वांटिटी कम है आप इसे प्रेशर कुकर में बना सकते हो, बहुत जल्दी बन जाएगा। एंड देन बस इसे आप अच्छे से सर्व करो। मैंने इसके ऊपर थोड़ा ब्रिस्ता डाला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड एक तरफ इसे हम कोशिमबीर कहते हैं। एंड बस आप इंजॉय करो अपने खाने को। बाय।